उदाकरात्तम मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलासी लोकरक्षकम। दिस इज महागणेश पंचरत्न। स्तोत्र कंपोज बाय श्री आदि शंकराचार्य ऑन श्री गणेश द एल्डर सन ऑफ गॉड शिवा। द मीनिंग ऑफ दिस स्तोत्र केयरफुली एक्सप्लेन्स द क्वालिटीज एंड नेचर ऑफ श्री गणेश अलॉन्ग विद द बेनिफिट्स ऑफ प्रेइंग हिम। पंचरत्न मीन्स फाइव ज्वेल्स। द कंपोजर गुरु आदि शंकराचार्य हैड प्रेज द गॉड गणेश बाय प्रेजेंटिंग दीज फाइव स्टैंसास एज फाइव ज्वेल्स। Hence the name Mahaganesha Pancharatnam. The last part of this stotra explains the Phalashruti or the benefits of reading, where it has explained the whoever recites the Ganesha Pancharatnam will be bestowed with good health, wealth and knowledge. Also reciting this stotram helps oneself to overcome the obstacles by the grace of Sri Ganesha. So the stotra goes like Mudakaratta Modakam Sadavi Mukti Sadakam Kaladharavatamsakam Vilasi Loka Rakshakam अनायकैक नायकं विनाशितेव दैत्यकं नताशु भाषु नाशकं नमामितं विनायकं नतेतराति भीकरं नवोदितार्क भास्वरं नमत्सुरारि निर्जरं नताति कापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरं समस्तलोकशंकरं निरस्त दैत्यकुञ्जरं दरे दरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं अकिंचनार्ति मार्जनम चिरंतनोक्ति भाजनम पुरारी पूर्वनंदनम सुरारी गर्वचर्वनम प्रपंचनाश भीषणम धनंजयादि भूषणम कपोलदान वारणम भजे पुराण वारणम नितंतकांत दंतकांति मंतकांतकात्मजम अचिंत्य रूप मंतहीन मंतराय कृंतनम हृदंतरे निरंतरम वसंतमेव योगिनाम तमेकदंतमेव तं विचिंतयामि संततम। फलश्रुति महागणेश पंचरत्न मादरेन योन्हवं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरण गणेश्वरम अरोगतम अदोषतम सुसाहितिम सुपुत्रतम समाहितायुरष्टभूतिम अभ्युपैति सोचिरत। सो ट्राई टू चैंट दिस स्तोत्रम डेली सो दैट श्री गणेशा मे ब्लेस अस ऑल। दिस इज एंडी एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वन। हर हर महादेव।